हेलो क्लास 9। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मोशन। मोशन किसे कहते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मोशन का, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मोशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होने वाली है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम तुषार, तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, वॉट इज मोशन। चलिए सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है कोई या नॉन लिविंग भी, ठीक है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजिशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग उसको हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज परसीव्ड, वो आप देख पा रहे हैं कि भाई मोशन हो रहा है, लेकिन कब, व्हेन इट्स अ पोजिशन, जब इसकी पोजिशन चेंज हो रही है लगातार, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की पोजिशन लगातार बदलती जा रही है, लगातार चेंज होती जा रही है विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इस डेफिनेशन की जो मेन लाइन है विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको कंपेयर करना होता है, आपको समझना होता है या तुलना करनी होती है आसपास की चीज़ों से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लाइन में लिखा गया है कंटिन्यूसली के बाद विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आसपास जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं उससे तुलना करने के बाद हमें पता चल पाता है कि हाँ ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आपने बस से कुछ डिस्टेंस कवर की होगी या फिर आप ट्रेन से कहीं पर गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, ठीक है, तो आपकी पोजीशन रेस्ट, ठीक है, अभी आप मोशन में नहीं हैं। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बराबर में या आसपास जो भी चीज़ें थी, ठीक, आप उसको देख रहे हैं कि भाई वो भी उसी लोकेशन पर है। लेकिन क्या होता है, कुछ ही समय में जब ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, अगर आप बस में बैठे बस चलना स्टार्ट कर देती है, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि भाई जो लेफ्ट साइड में चीज़ें हैं या फिर आप अगर राइट साइड देख रहे हैं तो जो बराबर में या आसपास की जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब एक्चुअल में वो चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। आप जिस व्हीकल में बैठे हैं, आप जो ट्रेन में बैठे हैं, वो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट मतलब ट्रेन, या फिर आप चल रहे हैं तो, ठीक है, तो वो चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हमें लगता है कैसे कि जैसे ये साइड में कोई मकान था, वो धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, फिर नेक्स्ट कोई चीज़ आ गई, वो पीछे की तरफ जा रही है, मतलब ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस समय हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन कैसे पता चला, आसपास की चीज़ों से कंपेयर करने के बाद। इसीलिए लाइन में लिखा गया है कि मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का परसीव व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार बदलती जा रही है। लेकिन कैसे पता चलता है, विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आप अपने आसपास के किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट से जब कंपेयर करते हैं या सराउंडिंग से तुलना करते हैं, तब हमें पता चल पाता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। ये हमें तभी पता चल पाता है जब हम नियर बाय या आसपास की चीज़ों से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको मोशन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा टारगेट था आपको ये समझाना कि भाई एक्चुअल मीनिंग क्या है मोशन का, और अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है या क्वेश्चन अराइज किया जाता है व्हाट इज मोशन, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजिशन चेंज, व्हेन इट्स पोजिशन चेंज, जब पोजिशन लगातार बदल रही है, कंटिन्यूअसली लगातार बदल रही है विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या नियर बाय ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया और आपने देखा कि भाई लगातार हमारी पोजिशन चेंज हो रही है, इसका मतलब हम मोशन में हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको मोशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या आपको इसके लिए डेफिनेशन देनी चाहिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है व्हाट इज मोशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।